नाच तो है ही नाच, लेकिन अगर पहले शब्द में भाव पड़ जाए तो ही दूसरे का महत्व है। ईमानदारी से अगर पहले शब्द से भाव नहीं जुड़ा तो दूसरे का महत्व नहीं है। तो नाच है तो है, लेकिन जब तक ये मेरे में, जब तक वजन नहीं आए तब तक नाच में अरे मेरे ना दो बातें करें सरकार से। बचपन में कह दिया कि सुन
जब अकेला महसूस करे तो उसे पुकारियो। किसे? बस एक नाम बता रहा हूँ, तू बालक है, तेरी रतु सुनेगा। एक नाम, छोटा सा नाम बता दी, मेरे सुनाया, उसने तो इसलिए सुनाया कि कभी 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 ले। लेकिन जिसे ईमानदारी से इसका चस्का लगे, ईमानदारी से, वो तो थके और छके नरस के प्यास, थके पर छके नरस के प्यास। और बालक ने तो पुकारना शुरू करा, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, क्योंकि बालक का निर्मल मन है, निर्मल मन पर वो जल्दी रीछते कि बालक ने पुकारना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे नाम बढ़ता गया, मेरे नाम देखा नहीं, जानता नहीं किसका नाम है, केवल सुना है उसका नाम। तूने कभी दर्शन नहीं किए तो तू कह रहा है जानता नहीं, तू जा दर्शन करके आ, प्यारे है उसी का ही नाम। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब निर्मल बनने वाले चोखा को लगा आह, जिसके नाम में आज तक इतना रस है, आज उसका पता लग गया।
संध्या का समय था, घर गया कि सुबह होते ही सबसे पहले सरकार के दर्शनों के लिए जाऊंगा। और घर पहुंचा और आनंद से मानो चित्त नृत्य कर रहा है, बड़े भाव। हाँ मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, तुम पित सरे से भले ही मोहे मारा,
पंक्ति में संवाद है सरकार से कि सरकार अंदर से देख रहे हो आने नहीं दे रहे, लेकिन प्रेमी प्रेमी कहता है ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, प्यारे अंदर नहीं आते कोई बात नहीं, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सकी पीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, उनके जो प्यारे ना उनकी राजी पर रजा, अरे आज दर्शन का मन नहीं है कोई बात नहीं, अरे मेरे नाम सरकार भक्त जिसे बनाते हैं ईमानदारी वाले वो बजा के उसका निष्ठा दृढ़ता परखते हैं, और वरना तो बजाई हम हारमोनियम यही तक ही ले जाते हैं। तो जो उनमें निष्ठा रखते हैं उनके नाम में वो कहते हैं कि प्यारे कभी खूब रीत जाओ कभी खूब खींच जाओ, तेरी ये भी मेहरबानी तेरी वो भी मेहरबानी, नहीं मिला दर्शन कोई बात नहीं प्यारे, उधर तू डरना खोलेगा इधर मैं डरना छोड़ूंगा, उधर तू डरना खोलेगा इधर मैं डरना छोड़ूंगा, उधर तू डरना खोलेगा
क्या किया कि सरकार रहूंगा तो मैं भी नहीं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, कोई बात नहीं, कह रहे मंदिर से ही सामने नदी के तट पे एक कुटिया का निर्माण शुरू किया कि सरकार आपका न सही आपकी चौखट का तो दर्शन होता रहेगा। महबूब की हर चीज महबूब, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। और वही कुटिया का निर्माण करता गया और सरकार को याद करता गया आनंद से। मेरे सुना तुम घर बनाते हो, हाँ जी मेहर जाती कहूंगा। तो एक धर्मशाला का निर्माण होना है, बताओ करोगे? कहता हाँ जी मेरा तो काम है, करूंगा। कहाँ निर्माण होना है? उन्होंने बताया कि ठाकुर जी का मंदिर है ना, बिल्कुल इसके नजदीक ही होना, सामने ही तुम्हारे घर से है भी पास। बताओ मेहनताना कितना लोगे? चोखा ने पूछा जी मेहनताना छोड़ो, ये बताओ काम कब से शुरू होना है? आया तुरंत बचाना शुरू करा एक एक करके सबको।
दस लोग लगे हुए थे, एक को निकाला, दो को निकाला, तीन को निकाला, सब मृत निकल रहे हैं, सब मलबा गिर गया, सब मृत। लेकिन बचाओ कल के कर्मी कह रहे हैं नहीं, सारे मृत नहीं है, अभी कोई नीचे है जो जीवित है। कहते तुम्हें कैसे पता भैया, देखो ध्यान से सुनो, कोई जीवित है, ध्यान से सुनो, सबने सुनो, मेरे जरूर यही वो है, क्योंकि अभी नाम ध्वनि आ रही है, यही वो है जो प्रभु को पुकार रहा है। चोखा का हाथ मलबे से पहले बाहर दिखा, तुरंत चिकित्सक ने नाड़ी देखी, है ही नहीं कुछ कि भैया ये तो मृत है, पर नाम की आवाज अभी भी आ रही है। तो वो कहते हैं जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो इसके अलावा और नीचे, हमारी गिनती गड़बड़ है। तो भैया तो मृत इसे तो निकालो, मृत को मृत की तरह खींच के निकाला कि ये तो मृत जो जिंदा उसे बचाना है। और ऐसा वर्णन है कि जब खींच के निकाला तो पैर की हड्डी का मांस फट गया और केवल हड्डी हड्डी बची, और सबने दर्शन किए कि चोखा मेला की हड्डी में से आवाज आ रही थी। क्योंकि जो संकीर्तन की ओर बढ़े, विषय में अपनी बात कर रहा, वो कीर्ति मशहूरियत पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़े। कोई कोई विरला है जो निकलता है चोखा मेला की तरफ, जो कर्मकांड की तरफ बढ़े वो सकाम बढ़े, लेकिन कोई 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 पीवे, कोई पीवे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है।
कोई पीवे कोई पीवे और कोई पीवे। निर्मल बने जन प्रभु खुद कहते हैं मानस में कि प्यारे मुझे वो भाते हैं। निर्मल मन जन सो मोही पावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा, तब क्या होगा। खुद प्रभु कहते हैं भैया ईमानदारी से मेरा नाम लेते हैं, ईमानदारी से जो जब मेरा नाम लेता है तो मुझसे बात करता है ईमानदारी से, उसके लिए प्रभु कहते हैं करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं जैसे चोखा सबने देखा हड्डियों में से नाम गूंज रहा चोखा, पुजारी जी भी वहीं खड़े थे सब देख रहे थे, देखा ये तो वही है जिसे लात मारी, लज्जित हुए ग्लानि से मन भर गया। ऐसा वर्णन है कि तुरंत एक पालकी सजाई चोखा के मृत देह को प्रभु के दर्शन के लिए ले जाएगा। पालकी में सजा के जिसे लात मारी गई थी उसे, जिसे अभी तक लात मारी रही थी उसे पालकी में सजा के ऐसी स्थिति बदल देते हैं प्रभु, बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल टल जाए, अपना मान टल टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। सब नियम बदल देते हैं प्रभु, जिनके चरण कमल कमल आके करतल सेन निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन पर नंगे पांव चलते देखा। प्रशस्त भाव ऐसा हो जैसा चोखा का, वरना भैया संकीर्तन भजन संध्या सब खूब होते हैं उनका नाम होता ही है, लेकिन जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। क्योंकि जीवन नट्ठा सिंह कहते हैं जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल पड़ी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हरे पुर्जे में जंग आया, पर आयु ने नट्ठा सिंह हथियार फेंक डाला जब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। तो इसीलिए भैया चलते चलते बड़े भाव से पालकी सजाई गई ले जाया गया चोखा को सरकार के सामने, आज भी समाधिस्थ है चोखा अपने सरकार के सामने, क्योंकि तो भाव ऐसा ईमानदार भाव था, विनम्रता थी, दैन्य था अपने सरकार के प्रति, ईमानदार था, बस मन में भाव है कि प्यारे आज नहीं तो कल, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी कर।